वही अब जो 200-400 कमाते हैं वही इसी में ना खाते हैं। दिक्कत तो है ये कि खाए बिन आदमी मर रहा है, जब ट्रेन बंद है सरकार किए हुए हैं। कभी कदाल भूलल भटका 100-200 के काम हो गया, वही 2-4 दिन घीच घाट के खाते पीते हैं। अब अभी जब गरीब है अपना कमाई होबे करता, 4-5 महीना से ऐसे बैठा रहे, पेट चल रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता, पेट चले भर काम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अगर राजधानी पटना की भी बात कर लिया जाए तो जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं तो वो हैं लेबर क्लास और मजदूर क्लास के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन में प्रभावित हुए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के एग्जीबिशन रोड के फ्लाईओवर के नीचे, और यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी रिक्शा चालक और ठेला चालक हैं, इनसे हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में क्या कुछ परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है, सरकार के द्वारा क्या कुछ मदद की जा रही है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं लॉकडाउन में कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, नहीं बंदा बंदी है इसमें। तो कैसे दिनचर्या चल रहा है? कभी कभी एक आध को मिल गया तो वह सब हाल रोजगार। सरकार के द्वारा कुछ मदद किया गया? ना, कोई मदद नहीं। और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत तो है ये कि खाए बिन आदमी मर रहा है, जब ट्रेन बंद है सरकार किए हुए हैं, बस बंद किए हुए हैं, तो कौन चीज़ से आदमी आवन जावन करता है कि आवन जावन आ रहा है कि उसमें से भोजन चलेगा। आ तो इक्का आए हैं तो बैठा है, सांझ के 100 रुपया हुआ, 150 रुपया हुआ, यहाँ अपने खाएँ के बाल बच्चा के देखें। सरकार के तरफ से कोई मदद किया जा रहा है? क्या मदद कर रहा है, कोई मदद नहीं। 3 बार औरत के नाम पर 5-5 सौ रुपया दीन, गेहूँ में लगा चावल दी, 10-10 किलो 20-20 किलो जैसा आदमी हुआ जैसा चावल, कोई के चावल है कि बूढ़े के बूढ़े जा रहा है, आज जिसका पास बेचारा कोई साधन नहीं है, गरीब है, उसको लिए कोई उपाय नहीं है। तो आप सुन सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लॉकडाउन में। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, लॉकडाउन में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अब दिक्कत तो यही है सर कि अब कई महीना बीत गया और वही जो आए हैं कुछ छुटबो किया है लॉकडाउन का, जैसे आएबो किए हैं तो अब आज कमाए 200-400 अधूरज बैठ गए, अब वही पैसा तो खा रहे हैं, घर जाऊँ तो नहीं रहा, अब बैठ जाते हैं तब वही अब जो 200-400 कमाते हैं वही इसी में ना खाते हैं। ठीक है, परसों कमाए 300 रुपया कल से बैठल। तो आज बोहनी नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, बाजार नहीं बोहनी को जो है, दुकान में बिक्री होवे तब तो बोहनी होवे, दुकान में बिक्री नहीं है तो ठेला वाला कहाँ जाए। सरकार के द्वारा कोई मदद किया गया इस लॉकडाउन में? मदद को जो है वही राशन पानी 10 किलो आदमन मिलता है, अब यहाँ कहाँ से मिलेगा कि घर पर मिलता है, यह कहाँ से मिलेगा सर। और भी कुछ लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ लॉकडाउन में क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कत तो बहुत है सर, दिक्कत इतना है कि जीना मुश्किल हो गया, आदमी कैसे जी रहा है तो अपने आप को पता लग रहा होगा कैसे जी रहा, कोई साधन नहीं कहीं मिल रहा है, वो जो ऑफर मिलता है ये मिलेगा वो मिलेगा, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। तो कोई मदद सरकार के द्वारा भी नहीं की जा रही? कोई मदद नहीं मिल रहा है। तो कैसे दिनचर्या चल रहा है पिछले 3 से 4 महीने से लॉकडाउन है, काम नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे दिनचर्या चल रहा है? कभी कदाल भूलल भटका 100-200 के काम हो गया, वही 2-4 दिन घीच घाट के खाते पीते हैं, खाता के दाता राम होता है, कभी कोई भूलाल भटका ला जाता है, किसी तरह कभी काम हो जाता है हम लोग कर लेते हैं, संकोच नहीं करते हैं कि ये काम नहीं करेंगे, बहुत मजबूरी है। तो आप सुन सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत ही ज़्यादा इस लॉकडाउन में मजबूरी है, सरकार के द्वारा उतनी मदद नहीं मिल रही है, कभी कभी 5 किलो राशन 20 किलो राशन मिल जाता है। और भी कुछ लोग हैं क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग को वही है कि 2 दिन 3 दिन में कहीं काम मिल जाता है, वही काम का निर्भर होता है, उसके बाद में कोई पूछ नहीं होता है, पूछ क्या करेगा, जो भी आता है तो खाली देखता सुंदर निकलते बनता है और कोई कोई सवाल नहीं करता है। अब अभी जब गरीब है अपना कमाई होबे करता, 4-5 महीना से ऐसे बैठा है, घरों जाला बस का भरा है तो वही भी जहाँ 300 रुपये सीधे 2000 रुपये मांगता है, आज बस स्टैंड भी बंद है।
तो आप सुन सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, उनसे जुड़ते हैं, इस लॉकडाउन में क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या बोलना चाहिए, बोले हम कहना चाह रहे हैं, कौन सी बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में आपका जो दिनचर्या है वो कैसे चल रहा है, ये बोहनी बट्टा हो रहा है, काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? पेट चल रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता, पेट चले भर काम होता है। सरकार के द्वारा कुछ मदद मिल रही है? कहाँ मदद मिल रहा है, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं मिल रहा है। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है चाचा? दिक्कत तो वही है कि आए हैं दो पैसा कमाने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं, समझिए कभी पेटों पर आफत है, चलिए नहीं तो ऐसे बैठे हुए हैं भूखे, और क्या। तो सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे? तो मांग तो वही है कि हम लोग के चाहिए खाने पीने का, मिल रहा है ये नहीं। आज बोहनी हुआ है कि नहीं? नहीं, बोहनी अभी कहाँ हुआ, ऐसे बैठे हुए ऐसे समझिए बैठे हुए यार। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लॉकडाउन है, ऐसे स्थिति में ये लेबर क्लास के लोग हैं, इन्हें अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो इनका जो पेट है वो भी नहीं चल पाएगा। आपने साफ तौर पे सुना कि इन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा उतनी मदद नहीं मिल रही है, कभी कभार राशन उपलब्ध करा दिया जाता है। बड़ाल आप बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। वही आप जो 200-400 कमाते हैं वो इसी में ना खाते हैं। दिक्कत तो है ये कि खाए बिन वरी में मर रहा, जब ट्रेन बंद है सरकार किए हुए हैं, कभी कदाल भूलल भटका 100-200 के काम हो गया, वही 2-4 दिन घीच घाट के खाते पीते हैं। अब अभी जब गरीब है, अपना कमाई होबे नहीं करता, 4-5 महीना से ऐसे बैठा रहे, पेट चल रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता, पेट चले भर काम होता है।